वीर विक्रम किसी काम से बाहर गया हुआ है। हाँ। ये लोग भी साथ चले गए होंगे। अब क्या है कि वहाँ चुपचाप तो रहेंगे नहीं, और वैसे पाठशाला में इनकी पढ़ाई भी छूट जाएगी, इसीलिए साथ रहने के लिए ले आया हूँ। अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी, तीन लड़कियाँ और तीन लड़के। वैसे हमारे बच्चे हैं कहाँ? पीछे हैं, आंगन में खेल रहे हैं। कुछ भी हो जाए तीनों एक साथ ही खेलते हैं, गाना हो चाहे नाच हो। एक दो अरे एक दो तीन एक दो तीन। सुन लो, ऐसे भाग दौड़ करके अपने हाथ पैर मत तोड़वा लेना, मामा जी को गुस्सा बहुत आता है। हाँ, चलो। अच्छा, पहले कुछ खाने के लिए लेकर आओ, दोनों खाने में बहुत माहिर है। रास्ते में एक भी दुकान नहीं खुली थी। अच्छा, एक काम करो, बैगन का भरता और भिंडी पका दो। एक दो तीन। एक दो तीन। अरे बच्चे, तुम दोनों आ गए। सुनो, हम इन्हें भी साथ में खेलने को कहते हैं। अगर ये लोग खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। ये सब क्या है? ये अच्छा बच्चा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। पत्री, लक्ष्मी, तुम चुप रहो। ये कल का लड़का तुम्हारा क्या लगता है? ये लड़का हमारी बराबरी का नहीं है। वो सिर्फ ढोलक नहीं बजाता, वो तो भजन गाता है। अरे कुछ भी बजाने दो। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, अब मैं नहीं खेलूंगी। चलो। इन लोगों को सेदू से कुछ ज्यादा ही लगाव है। हम इसको घर से बाहर ही निकाल देंगे। प्रधान सेवक, अगर आप सो रहे हैं तो हम लोग फिर बाद में आते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। वो अरे फॉर्मेलिटी मत करो, बैठो। सुभद्रा, जरा चाय पानी लेकर आना। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ क्यों भाई, मेरे सामने चाय नहीं पी सकते? मेरे चेहरे की रौनक कम हो जाएगी क्या? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपके चेहरे की रौनक और बढ़ गई तो आपकी उम्र छुपाने के लिए मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। दे दो। लो। अरे मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। और बताओ, कुछ खास काम से यहाँ मेरे पास आए हो तो बताओ मुझे। नहीं, वो हमारे पल्लावरम शिव के पुजारी जी ने बुलाया है, उत्सव में आने के लिए कहा, तो मैंने उनसे कहा कि आपसे बिना पूछे नहीं जा सकता। अब इसमें परेशानी क्या है? बगल में ढोलक बजाने वाला कोई आम आदमी रहेगा तो भी क्या होगा, चलेगा। वैसे माधव भाई ने भी एक विनती की है। वैसे उस आदमी को जायदाद का लालच नहीं है, काम धाम भी बहुत अच्छा करता है। फिर भी पिछले उत्सव में उस आदमी का गांव वालों ने बहुत विरोध किया था। अरे बाप रे। मैंने बीच में पड़कर उसे सबसे बचा लिया। कला सेवा क्या है कि आजकल नए लोगों को भी पसंद आनी चाहिए। हाँ, वो सब जाने दो, ढोलक भजन संगीत हम लोग सीधा वहीं शुरू करेंगे, ठीक है? वो सिर्फ मेरा काम थोड़े ना है, ये सब कुछ उस भगवती देवी की कृपा से हो रहा है। ये ढोलक बजाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे बजाने के लिए सीखना पड़ता है। सेदू देखो कैसे बजाता है। ढोलक बजाने वाले की तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? इसे बजाने के लिए कोई औकात नहीं लगती, कोई भी बजा सकता है। तुमने भी ढोलक बजाने के लिए बहुत कोशिश की थी ना, लेकिन कुछ फायदा हुआ? तुम कितना भी ढोलक बजा लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, उसके साथ सब प्यार से रहते हैं, मामा भी, भुआ भी, लक्ष्मी भी, अब तो तुम्हें भी। थोड़ी देर में मुझे भी अच्छा लगना शुरू कर देगा, और हम दोनों को घर से बाहर निकाल कर हमें नौकर बना देगा वो। लोगों के खेलने की चीज नहीं तो है। तो आना मैदान में, देखते हैं। रुको, सुनो, ऐसा मत करो, छोड़ दो उसे। क्या बात है बेटी? पत्री और उन्हीं मिलके सेदू को मार रहे हैं। छोड़ो, 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 छोड़ो उसे।
छोड़ो उसे। और ढोलक बजाएगा, बजाएगा ढोलक, हमें निकालेगा। अरे रुको रुको, आखिर बात क्या है, क्या हुआ बताओ? इसका खेला बहुत हुआ, ये आया और हमें ढोलक से मारने लगा। नहीं, पहले उसने मारा, इसने तो सिर्फ ढोलक लेने की कोशिश की। बच्चों, ये सब क्या है? यहाँ की धर्म देवी तुम सबको माफ करें, वो तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है जो तुमने हाथ में पकड़ी है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके भजन में उसे बजाया जाता है, वो कोई खेलने की चीज नहीं है, यही बात इसने तुमसे कही है। इसमें गलत क्या है? ये हमारी आत्मा है, हमारा जीवन है। सरस्वती, ये कौन बजा रहा है? बेटा है, उसे कुछ तो लगा होगा। बहुत अच्छा बजा रहा है, स्वर तो ढोलक बजाने के ढंग से ही पता चल जाता है। जानती हो, मुझे लगता था कि मेरी ढोलक ऐसे ही पड़े पड़े फट जाएगी। हे भगवती। बेटा देखो, देखो, मुझे पता था आपके जीवन में इस ढोलक के स्वर का कितना महत्व है। मुझे बहुत खुशी हुई पिताजी, ये देखकर। पिताजी, मैं इस ढोलक को बेवजह नहीं बजा रहा था, प्रधान सेवक की इच्छा पूरी करने के लिए, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए इसे बजा रहा था। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। पिताजी, बेटा, बस आप आराम कीजिए और बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। इस ढोलक को बजाना तो आप ही ने सिखाया ना, अब यही मेरी किस्मत है। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा हिम्मत वाला है, भगवती तुझे खुश रखे। चुप हो जाइए, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। भगवती तुझे खुश रखे, तू सदैव खुश रहे बेटा। बेटा भूलना मत। नहीं भूलूंगा माँ। इतना तैयार होकर ये तुम कहाँ जा रहे हो? बेटी, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। सेदू अपने पिताजी की जगह ले रहा है। हमारे घर प्रधान सेवक आए थे, ये तो तुम्हें पता है ना। उन्हें कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए सेदू उनके यहाँ जा रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं जाने से पहले तुम्हारे पास ही आने वाला था। कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा ऐसा ही करते अरे हो। ऐसा नहीं है, कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बस कुछ दिनों की तो बात है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हमेशा आपके ही फैसले को कीमत होती है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। ये फैसला तो हम दोनों ले सकते थे ना, फिर भी नहीं पूछा। गुस्सा मत करो अन्नू, तुम तो मेरे हर काम काज को अच्छी तरह जानती हो। मेरे पिताजी इस काम के लिए खुद जाना चाहते थे पर नहीं जा सकते, उनको तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया है। अब तुम बताओ क्या करते हो? एक साथ जीने का फैसला लिया है, तुम दुखी मत हो, ये कोई गलत फैसला नहीं लेगा और उसके लिए तो मैं भी राजी नहीं होंगी। पिताजी का दिल रखने के लिए बस कुछ दिन के लिए करने दो। सुनो, अब इसे और दुखी मत करो, इसे जाने दो। जाना है तो जाओ, लेकिन इज्जत से सुबह और शाम मुझसे बात करनी चाहिए। चल अब जा। हाँ चलता हूँ, चले।
वासु मामा, मैं कुछ दिनों के लिए प्रधान जी के यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा? सारी बातें मैंने इसको बता दिया है। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। बेटी ये सफर पर जा रहा है, इसे अपने हाथ से ये दे दो। ये क्या दे रहा है? ये माला अभी तक बनी नहीं। सुनो, अरे रुको रुको, सुनो, गाना तो अच्छा गाते हो लेकिन तुम्हारा बर्ताव कुछ अजीब है। मुझे मालूम है कि तुम वो ढोलक वाले कृष्णा के बेटे हो। हाँ ठीक है, पर तुम्हारा नाम जो ठीक से बोलता है वो ग्रीशुम है। वैसे वो श्री लक्ष्मी है ना, वो मुझे गिरी गिरी कहकर बुलाती है। कारीगर? कारीगर नहीं, गिरी गिरी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें गिरी गिरी कहकर बुलाता हूँ। गिरी गिरी सिर्फ लक्ष्मी ही बुला सकती है मुझे। गिरी गिरी कहने का हक सिर्फ मैंने श्री लक्ष्मी को ही दिया है। जब इतना ही हक दिया है तो शादी क्यों नहीं कर लेते भाई? हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते, पर ग्रह दोष होने की वजह से वो प्रधान सेवक जी अपने बराबरी की कुंडली वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। कितने आए और कितने गए, पर एक भी जमा नहीं। जानते हो क्यों? भगवती माँ के आशीर्वाद से। वैसे श्री लक्ष्मी का क्या ख्याल है, तुम्हें बहुत पसंद करती है क्या? देखो यार, दिखने में ऐसे लगेगा कि हम दोनों की जमती नहीं। ओ अच्छा, अब वो कहाँ है? हिमालय पर्वत के नीचे। क्यों, तुम दोनों की बनती नहीं है क्या? कल मैंने एक सपना देखा था, मेरी और श्री लक्ष्मी की शादी हो चुकी है। फूलों पे सजे हुए पलंग पे श्री लक्ष्मी अपने हाथों से मुझे दूध पिला रही है। बाद में अरे सुनो तो। हे देखो, ये ख्याली पुलाव मुझे पसंद नहीं है, समझे? आए देखना, मेरा ये सपना, मेरा सपना एक दिन पूरा होगा। लेकिन कैसे होगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे आना। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे डर लगता है। अरे ये फटा नहीं, 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 नहीं फूटेगा। अरे नहीं फूटेगा, आंग पे नहीं फूटेगा। आना फूट जाएगा। अरे आना, अरे आना, अरे आना, अरे मैं बोल रही हूं कुछ भी होगा। अरे आना, मां मुझे छोड़ दो। अरे नहीं ना मां, अरे चल ना मां, फूट के साथ में मिलके। मुझे डर लगता है, मुझे भगवती मां इसे पटाखा फोड़ने की तो हिम्मत दे। अरे आना बेटा, आना। अरे माँ जी शांत हो जाइए, गुस्सा क्यों कर रही हैं? समझाओ ना इसे। मेरा बेटा पटाखे से बहुत डरता है। अरे कम से कम मेरे जीते जी एक पटाखा फोड़ दे बेटा। मेरे मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अरे आना बेटा, आना पटाखा फोड़ दे। आना बेटा, मुझे डर लगता है माँ। मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। हे कृष्णा देवी, भगवती देवी, अब मैं क्या करूं? अरे ये कब सुधरेगा? अरे माँ, अरे मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। मैं एक ना एक दिन जरूर पटाखा फोड़ूंगा माँ, मैं फोड़ के दिखाऊंगा तुझे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मेरा बेटा तालाब में गिर गया। अरे कोई तो बचाओ उसे। अरे मेरा बेटा तालाब में गिर गया। सेदू, सेदू, आज पूरा गांव घूम कर आया हूँ। यहाँ का तालाब तो बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। याद है ना, इस तालाब में तैरकर मैंने पैसे कमाए थे, वो पैसे माँ ने अभी भी संभाल कर रखे हैं। सेदू, तुम बहुत बदल गए हो। उस दिन के पैसे के बारे में आज भी याद है? सच में बहुत बदलाव आ गया। अच्छा, वो कैसे? तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम भी तो काफी बदल गई हो। क्या सेदू, मजाक मत करो। अरे सच कह रहा हूँ, पहले से तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बचपन से तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। क्या कहूँ मैं, बस तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, इसी बात का दुख है मुझे। देखो खाना ठंडा हो जाएगा,
हो सकता है अब हमारा खाना तुम्हें पसंद ना आए। ओ, बात ऐसी करिए जैसे मैं कोई विदेशी हूँ। हाँ? यहाँ के आम के अचार का स्वाद तो बचपन से अभी भी मेरे मुंह पर है। लेकिन कुंडली दोष के नाम पर इस गांव में अत्याचार अभी भी जारी है। प्रधान ज्योतिषी यहाँ पर आकर कोई भी समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं भले ही भगवान की सेवा करता हूँ, उनके लिए ढोलक बजाता हूँ, लेकिन ऐसे अंधविश्वास बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लक्ष्मी, तुम्हारी आधी उम्र बीत गई लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। ये सब बातें अंधविश्वास ही हैं। मैं चलती हूँ सेदू। तुम जो भजन गा रहे थे ना, वो बहुत अच्छा था। कितने दिन हो गए, अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, और कितना इंतजार करोगी? जो नहीं होने वाला है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो तुम? किसने कहा ऐसा नहीं हो सकता? भगवती देवी सब देख रही हैं। अगर तुम किसी का इंतजार कर रही हो तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। मैं किसका इंतजार कर रही हूँ गिरी? मुझे इस जन्म में शादी अब करनी ही नहीं है। गिरी, मैं तुम्हारे प्यार को समझती हूँ, लेकिन हम दोनों की शादी होगी ऐसा मत सोचो तुम। अगर तुम कहो तो हम दोनों भाग चलते हैं। गिरी, बहुत हो गया। बाद में मैं ही काम आने वाला हूँ लक्ष्मी, देख लेना। वो सब लोग जैसा आपने कहा था पूजा पाठ में भगवान की प्रार्थना में लीन है, उन्हें बुलाऊं क्या प्रधान जी? उन्नी, मामला सब हाथ से निकल जाएगा। आलसी लोग अब सब मामा का साथ दे रहे हैं, वो लोग सब मिलकर मुझे ही बाहर निकाल देंगे। जैसे ही वो लोग यहां आए थे तब दुष्ट ग्रह का खेल भी शुरू हो गया था। बत्री भाई, आपने ठीक कहा, सिर्फ मामा को ही नहीं घर के सारे लोगों को भी, खास करके माझी को भी, बड़े माँ को भी और उस लक्ष्मी को भी। सब कुछ तेरी लापरवाही की वजह से है। तुझे मैंने पहले समझाया था, तू समझा नहीं। वो क्या है ना भाई, एकदम चुप। उठने के लिए सोना लगता है और उस टाइम हम सिर्फ बच्चे थे, फिर भी तेरी शादी के बाद ये शराब छूट जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बत्री भाई, जिस वक्त वो बात आपके दिमाग में आई थी तो वो बात मुझे तभी बताई होती, अब ये सब बात करके क्या फायदा? फिर क्यों तू मेरी बात सुन रहा है? मैंने कितनी बार समझाया कि लक्ष्मी की शादी हम किसी और से नहीं कर सकते, उसका तांत्रिक ने रास्ता भी बताया, सब हाथ से निकल जाएगा। हम ब्राह्मणों की इज्जत पे कलंक लग जाएगा तब भी चलेगा, हम नहीं सोच वाले आदमी हैं। वो आदमी पुरानी सोच का है, इस बात को समझो और कुंडली को बाहर में जाने दो, खींच के ला उसको। उसका जो दोष है वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं लगेगा क्या? रात भर तुम्हें रामायण सुनाई और तुम पूछ रहे सीता राम की कौन थी? तू भी अंकल का अवतारी है, उनका कोई दोष नहीं है। मैं कहता हूं हमारे भाई को दोष लगा तो हमारे ऐसा भाई चाहिए ना, मेंटल प्रॉब्लम है, एक तरह का फोबिया। ये सोचकर तू डर मत, क्योंकि ये सब हम ही कर रहे हैं। उन्नी, तू हिम्मत रख यार, मेरे पास एक आइडिया है, आगे जैसे मैं कहूंगा तू वैसा ही कर। श्री लक्ष्मी की कुंडली एक बार मुझे अंकल ने दी थी, बगल के गांव से वो एक आदमी लक्ष्मी के लिए रिश्ता लेके आया था, उसी कुंडली है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी बना के रखी थी मैंने, उसी पर अब हम खेल खेलेंगे एक। नहीं भाई, ये उन्नी कृष्णन हमेशा आपका साथ देगा। शाबाश, बाकी तो हम देख लेंगे।
सेदु, तुम्हारा मन करे तो आराम कर लेना, उत्सव की वजह से थक गए होगे ना। अरे जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। घर पर था तो दिन भर घूमता ही रहता था। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई बात नहीं, बात में कर लूंगी। अरे नहीं बोलो, क्या बात है बताओ ना। कहा ना, बाद में बात करती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी खबर सुनी है। वो अपना उन्नी है ना, उसकी कुंडली तुम्हारे कुंडली से मिल गई है। चलो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? भले वो जिद्दी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सिर्फ तुम ही नहीं, घर के सभी लोग भी यही चाहते हैं। श्री लक्ष्मी के लिए उन्नी कृष्णन ही अच्छा लड़का है। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? ये देवी प्रसाद के वितरण के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बर्तन कम नहीं होने चाहिए, कढ़ाई वगैरह रूम से निकाल देना। इधर आओ लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी, ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें बुलाया है। सिर्फ इनसे बात करके कुछ नहीं होगा, मैं अपनी लक्ष्मी से तो मिल लूं। लक्ष्मी क्या हुआ? अरे लक्ष्मी, 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 बद्री भाई मैंने देखा। क्या देख लिया? वो सेदु के कमरे में। क्या? लक्ष्मी, लक्ष्मी। मतलब उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मंदिर में भजन संगीत खत्म होने के बाद कृष्णा के बेटे को ढोलक बजाने वाले का एक दर्जा दिया। मुझे लगता है ऐसा करके मैंने बहुत गलत किया है। ढोलक भजन कीर्तन का मेरे मन में सम्मान है, यह सच है। उसने जब तक यहां काम किया कभी भी कोई दाग नहीं लगने दिया। हाँ, मैं सिर्फ उसकी इज्जत करके चुप नहीं रह सकता। सुभद्रा, श्री लक्ष्मी को जाकर कह दो लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल होगा। सेदू को कल से मंदिर के बाहर सोना होगा। हाँ, इस घर में किसी को आने की इजाजत नहीं है। उसे बोलो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाए, उसके घर में कोई जगह नहीं है। मामा जी, ये तो बत्री भाई का हक है देवी माँ का तलवार उठाने का, यही रिवाज है। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे, बत्री की जगह आप किसी और को हकदार नहीं बना सकते। मैंने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया? अब देवी की जैसी इच्छा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो सब लोग। बत्री भाई, कुछ करना पड़ेगा। उन्नी रुक जाओ, जैसे तुम्हारे अंकल की इच्छा होगी। अपने घर वालों को लेकर ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। क्या हुआ सुभद्रा? नाश्ता बनाने में देर करती, अगर केशव को पता चलेगा तो शोर मचाएगा। तो मैं क्या करूं आप ही बताइए, सब कुछ करने के लिए मेरे पास बस दो ही हाथ हैं। ये सब्जियां डालकर सांबार बना देना, ऐसा मैं इसे कहकर मंदिर चली गई थी। यहाँ आकर देखा तो यहीं खड़ी है, कहती है कि बीमार है। 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ, क्या हुआ मेरी बच्ची को, ठीक वक्त पर खाना नहीं खाती है, जब देखो कुछ सोचती रहती है, अपनी दादी माँ को नहीं बताएगी। ए, क्या हुआ बेटी बताना। अरे ये क्या, क्या हो गया इसे, ऐसा क्यों कर रही है? ये उल्टियाँ क्यों कर रही है, क्या हुआ इसे? मैं तो नहीं जानती, आजकल ऐसा ही कर रही है। क्या कह रही हैं आप?
अरे अरे कहीं इसने ऐसा वैसा काम तो नहीं कर दिया। हे भगवती माँ। ज्यादा मत बोलो अब तुम, हमारे नाम को मिट्टी में मिला दिया। नहीं, आगे से इस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इस गांव में रही तो मैं इस गांव में खुदकुशी कर लूंगा। जाओ यहाँ से। जी, ऐसी हालत में उसे कहीं मत ले जाइए। सुभद्रा, तुम भी अपनी बेटी का साथ दे रही हो क्या? तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। जान चली जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। याद रखना, मैं इस गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। इस गांव के प्रधान सेवक को ये दिन देखने को मिलेगा कभी नहीं सोचा। लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा मैं? प्रधान सेवक जी, लक्ष्मी को मत निकालो। बाप का नाम खराब करने वाले इस लड़के को अभी घर से बाहर निकालो। निकालो प्रधान सेवक जी, लक्ष्मी को मत भेजिए। भले इसे गलती हो गई हो लेकिन फिर भी मैं इसे अपनाने के लिए तैयार। मुंह बंद करो अपना, एक शब्द नहीं। तुम ही चले जाओ इनके साथ। इस घर में किसी की कोई जगह नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहा है? बद्री भाई, लक्ष्मी को कहीं मत जाने देना। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। उसको जाने दो। अंकल जी ठीक कह रहे हैं, उसने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और तू समझता कि वो तेरी किस्मत में नहीं थी। नहीं, तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने लक्ष्मी की शादी करने का मुझसे वादा किया था ना? ऐसा मैंने तुझे कब कहा था? गद्दार हो तुम। तुम लोगों ने मुझको धोखा दिया। मैंने तुम दोनों पर बहुत विश्वास किया था, इसी वजह से मैं तुम्हारा हर काम कर रहा था। तुम्हारा मैं। बकवास बंद कर दलहट। उन्हें कुछ भी हमारे खिलाफ बोला ना तो जान से मार डालूंगा। तुम लोगों के दिल में जरा भी इंसानियत है क्या? तुम लोगों ने मेरे जैसे इंसान को प्रधान सेवक की आंखों में गिरा दिया। क्या कसूर है मेरा? अपना घर परिवार छोड़कर भगवती माँ की सेवा करने आया था। देख लेना तुम सबको, भगवती माँ बिल्कुल माफ नहीं करेगी। भगवती माँ के सामने हर एक आदमी का पूरा हिसाब होगा और इसको अभी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। चलो चलो लक्ष्मी, चलो चलो तुम, चलो आओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो, छोड़ो उसे। क्या करें, जाने दे उसे। केरला की टीम बुरी तरह हार गई है। हाँ, ये लो भाई। मैं केरला में ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे घर वालों के साथ साथ पूरे गांव को फायदा होगा। वैसे केरला छोड़कर तुम जाओगे कहाँ? तमिलनाडु। वो केरला से दूर है, इतना ही काफी नहीं है क्या? अरे जिस जगह को देख रही वहाँ जाने में कितना मजा आएगा। मेरी एक पहचान वाला है, वो मुझे पूरा तमिलनाडु दिखाएगा। कुछ नहीं होगा, ज्यादा उड़ो मत। चलो भाई चलो, यहाँ उतरने वाले उतर जाओ। चलो चलो जल्दी उतरो और 50-50 रुपए दो। चलो ऐसा दीजिए। चलो चलो। वासु भाई, वो तो अपना सेदू है ना? साथ में जो लड़की है वो कौन है? वासु के साथ वो लड़की कौन है? हम दोनों को देखकर गांव वाले कुछ भी कह सकते हैं, पर तुम चिंता मत करना, इन सभी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वासु मामा और मैं उस चाय की दुकान पर हमेशा चाय पीते थे। यहाँ बेकार के लोग बैठते हैं,
और फालतू की बातों पे खुसर फुसर करते रहते हैं। मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। जा पूछ कर। हे सेदू, देखा मैंने बोला था ना, चलो अभी चलते हैं, चलो। हे सेदू भाई, अभी अभी आए हो, ये लड़की साथ में कौन है? हाँ, देखने से तो शादीशुदा लगती है। चलो चलते हैं। अरे कोई जवाब ही नहीं दिया।